शरण्य महेश्वर। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुधदेव 13 दिसंबर 2023 से वक्री होने वाले हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा। देखिए 13 दिसंबर 2023 से बुधदेव आपकी राशि यानी धनु राशि में टेढ़ी चाल चलने वाले हैं और 2 जनवरी 2024 तक यानी 20 दिनों की समयावधि तक बुध वक्री अवस्था में आपकी राशि में रहने वाले हैं, तो इसका कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और कई राशि वाले जातकों के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। धनु राशि में बुध वक्री होने से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है और बुध अगर संगति के अनुसार अपना शुभ फल देते हैं, शुभ ग्रहों के साथ अगर बुध मौजूद होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं। क्रूर और पापी ग्रहों के साथ अगर बुध युति बनाए तो इनके पाप प्रभाव ज्यादा मिलते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, ननिहाल पक्ष, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। कुंडली पर बुध अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की सफलता और जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं। बुध अगर बलवान हो जाए तो वाणी के द्वारा जातक कुशल वक्ता बनता है। बुध बली हो तो व्यापारिक जीवन में सफलता मिलती है। संचार कौशल के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया लाइन, इन सभी क्षेत्रों में विशेष उन्नति की संभावना जीवन में बनती है। अधिक उम्र होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति कम उम्र का दिखाई देता है। कुंडली पर बुध के पीड़ित होने पर कई प्रकार के प्रतिकूलताओं का और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बुध पीड़ित होते हैं तो तंत्रिका तंत्र, नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। बुध के पीड़ित होने पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। धनु राशि के जातकों, बुध आपके राशि के सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके राशि में ही यानी आपके प्रथम भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ने वाली है और बुध देव सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव की संभावना जीवन में बढ़ने वाली है। सबसे पहले इस परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या चल रही है, वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में व्यावसायिक उन्नति और कर्म क्षेत्र के मामले में उन्नति की संभावना विशेष रूप से आपको मिल सकती है। बुध के वक्री होने पर जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना भी बन रही है। बुध आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके प्रथम भाव पर वक्री होने वाले हैं। उसकी वजह से इस समयावधि में टकराव की संभावना और वैचारिक मतभेद भी होने वाला है। ऐसे में जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, उन्हें संभल कर चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है।
कोई पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं उस पर भी आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रथम भाव पर बुध के वक्री होने से जो जातक राजनीति के क्षेत्र में, मीडिया लाइन में, टीचिंग लाइन में या वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, काउंसलिंग का काम कर रहे हैं या व्यापारिक जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, प्रगति और सफलता की विशेष संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, बुध जन शुभता को अर्जित करने के लिए धनु राशि वाले जातकों को गणपति की आराधना करनी चाहिए। यदि आप रोजाना ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।